गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का जीएसएम मित्रा की तरफ से आरबीपी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं अपने माता पिता और गार्ड को धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने जिस लायक मुझे बनाया, ये सब उनकी देन है। इसी के आगे में बढ़ते हुए अपने मार्गदर्शक, जो हमेशा बार बार बोलता हूँ कि हमारे सभी के मार्गदर्शक, न कि वो बिहार के या महाराष्ट्र के, पूरे इंडिया के चेहरे पे बन गए चुके हैं और सबको सही रास्ता दिखाने वाले हमारे आचार्य के अग्रवाल सर, धर्मशीला मैम, सुरेंद्र प्रसाद सर और भी सभी टॉप लीडर, जैसे हमारे भरत गर्ग साहब और मुकेश सर, हमारे अपलाइन आरडी पटेल सर और मोहम्मद यास सिद्दीकी सर का मैं धन्यवाद करूंगा। सारे लोग इस समय हम सभी को सही रास्ता, सही मार्ग दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे गुरु डॉक्टर यश रंजन सर, जिन्होंने हमेशा, उनको देखने के बाद हमेशा कहीं भी मार्गदर्शन करते हैं, जब हम लोग उनको देखते हैं, उनका जब प्रेजेंटेशन देखते हैं, एक ऊर्जा आती है, एक उमंग आती है। और हमारे विश्व गुरु, जिन्होंने पूरे इंडिया को नहीं, पूरे विश्व को में एक उजाला हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज दोनों और फ्रीडम वाइज, तीनों तरह का जो उन्होंने सपना लेके चल रहे हैं, जो मुहिम लेके चल रहे हैं, ऐसे हमारे विश्व गुरु, हमारे सभी के गुरुवर, मेंटर प्रोफेसर वासुपाल सर, गुरु माता रत्नामयी को मैं नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ कि इनका आशीर्वाद हम सभी लोगों पे ऐसा बना रहे। और ऊपर वाले से यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनको एक लंबी याद दे और ऐसे हमेशा ये स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। और हम अपने महाराष्ट्र के पीआईसी सुजीत नायर सर, जिन्होंने हम सबको हमेशा एक साथ एकजुट करने में बहुत बड़ा योगदान है उनका, उनका भी मैं धन्यवाद अदा करूंगा और मैनेजमेंट का भी मैं अदा करूंगा, जो हम लोगों को एक साथ एक सहयोग में आरबीसी और मैनेजमेंट मिलकर हम सबको योगदान की है और आज हम लोग उभर रहे हैं। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और आगे अब हम आज के गेस्ट स्पीकर के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि एक बार वो आरबीसी यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं, ज्यादा उनका परिचय देने की जरूरत नहीं, फिर भी नव परिचय के मुस्ताद हैं, उनका फिर भी परिचय मैं दूंगा। को आज उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से हैं और शिक्षा अपनी पूरी करने के बाद वहां से 1995 में मुंबई आए और उनकी पढ़ाई जो बीएमएस एक डॉक्टरी लाइन से है, उसको कंप्लीट करने के बाद बॉम्बे आने के बाद, बॉम्बे में कांदी गली एरिया जहां इन्होंने अपना डिस्पेंसरी खोली, अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया और बहुत अच्छे ढंग से, इनकी एक सब बड़ी खास बात है, जो ये काम शुरू करते हैं बड़े शिद्दत, बड़े लगन के साथ करते हैं, बड़े ईमानदारी के साथ करते हैं। आज उसका नतीजा है कि साथियों, वो लगातार एक ही जगह अपनी डिस्पेंसरी को, अपनी प्रैक्टिस को लगातार कर रहे हैं और वहाँ के फेमस डॉक्टरों में इनकी गिनती होती है और यह सिलसिला उनका चलते रहता, खुशहाल जीवन, पूरी फैमिली अच्छे ढंग से खुशहाल है। और 2007 में छोटा सा कुछ स्किन प्रॉब्लम आने की वजह से हमारे आज के गेस्ट स्पीकर डॉक्टर साहब को डीएक्शन मिलता है इनके किसी दोस्त, किसी मित्र के द्वारा, और वह प्रोडक्ट मंगाते हैं ट्रायल करने में, इनका एक ही सोच था ट्रायल करने में, क्वालिटी हमेशा रहती है, ट्रायल करने में क्या जाता है। इन्होंने इस प्रोडक्ट को मंगा के स्टार्ट किया, उससे इनको काफी रिजल्ट मिला। पहले सोप से स्टार्ट किया था, फिर स्पायरोलिना, धीरे 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 एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट को बढ़ाते बढ़ाते इंजॉयमेंट, मतलब पैसे की भगवान ने इनको कोई कमी नहीं दी थी, मान सम्मान की कोई कमी नहीं। लेकिन साथियों, आगे क्या होता वो देखिएगा कि अपने ढंग से यूज करते हैं, मस्त रहते, लेकिन उसी बीच में 2009 के आसपास आप जो हमारे डीएक्सएल की हमारी अपलाइन में आते हैं, डॉक्टर नीले साहब का एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद
डॉक्टर साहब को लगता है कि शायद मेरी सोच कुछ अलग है, उनकी मीटिंग अटेंड करने के बाद इन्होंने पूरी तरह से डीएफसन को समझा, और डीएफसन में 10-11 के बाद, 2010-11 के बाद इन्होंने डीएफसन की शुरुआत की, और फिर 2012 जैसे इनका मन आगे बढ़ने लगा, इंटरेस्ट आने लगा, तो थोड़ा सा डीएफसन, डीएमआई और डेहसान करके दोनों में बदलाव आता है, थोड़ा वहां से हो गया। लेकिन जो हमारे विश्व गुरु हैं, हम सभी बच्चों का ध्यान रखते हुए उन्होंने डीएफसन को इंडिया में पूरी तरह से संभाल के रखा, और आज उसकी देन है कि आज हम सारे एक साथ जो मीटिंग के द्वारा या इस यूट्यूब चैनल के द्वारा मिल रहे हैं, और फिर लगातार आज के गेस्ट स्पीकर जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनकी जर्नी स्टार्ट होती है, और बड़े ईमानदारी बड़ी शिद्दत के साथ डीएक्शन को शुरू करते हैं, और डीएक्शन से ही अपने बच्चों का, दो बच्चे हैं, बड़े बच्चे का उसको भी बीएमएस कंप्लीट करा के आज वो महाराष्ट्र मुंबई में ही डॉक्टर है, और दूसरे लड़के को इन्होंने इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया से कंप्लीट करवाया। दोस्तों ये डीएक्शन की ताकत मैं बता रहा हूँ ये, और आज बड़े ईमानदारी से फिर इनको इंटरेस्ट आने लगा। आज एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे डॉक्टर साहब के साथ है, और बहुत सारे डॉक्टर इनके अंडर में काम कर रहे हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कई अलग अलग कंट्रियों में भी इनका बिजनेस स्टार्ट है। लेकिन कुछ कारणवश थोड़ा सा जो ड्रीम था, ड्रीम धुंधला दिख रहा था दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को ड्रीम के बारे में कुछ पता ही नहीं था, जैसे करते थे जैसे चलता था वैसे हम लोग अपने ढंग से चलते थे। इसी बीच में कुछ महीना पहले हम लोगों को आरबीसी रत्ना बासु क्रिएशन में हम लोगों की एंट्री होती है, वहीं से हमारे ड्रीम एकदम साक्षात एकदम क्लियर दिखने लिए, और हमारे मार्गदर्शक हम सबके आचार्य के अग्रवाल सर के कांटेक्ट में हो गए, वो भी बहुत कुछ अच्छी अच्छी गाइडलाइन देने लगे, और विश्व गुरु का बार 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 आशीर्वाद हम लोगों को साथियों मिलने लगा, जिसकी जरूरत है। अब हमारा विजन, हमारे महाराष्ट्र का विजन, और आज हमारे गेस्ट स्पीकर का विजन क्लियर हो गया। अब उन्होंने एक इतना बड़ा सपना बना लिया है कि शायद जो सपना कुछ लोग तोड़ते थे, उस सपने को अब इन्होंने क्लियर विजन के रूप में, क्लियर ड्रीम के रूप में देखना चालू किया है, और आज वो डीएक्शन में एक अच्छे पोस्ट पे हैं। आज डीएक्शन में हर व्यक्ति उनको जानता है, महाराष्ट्र ही नहीं, मुझे लगता है कि जो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं अलग अलग स्टेट के लोग उनको जानते हैं। तो साथियों मैं ज्यादा वक्त ना लेने, जब उनका विजन क्लियर हुआ, जब वो आरबीसी कॉन्टेक्ट में आए, विश्व गुरु प्रोफेसर सर के कॉन्टेक्ट में, आचार्य के अग्रवाल सर के कॉन्टेक्ट में आए, और महाराष्ट्र बहुत सारे लीडर मिलकर जब एक दूसरे का सपना देखने लगे, एक दूसरे से तालमेल जमने लगा, तो उनके सपनों के ऊपर थे, उन्होंने जो उनके सपने को तोड़ने की कोशिश की, या जो सपना कभी क्लियर नहीं कर पाते थे, तो उनके सपने के ऊपर से मुझे जो शब्द याद आया है, तो क्या सपना देखे और क्या आगे देख रहे हैं वो खुद बताएंगे, तो उसमें मैं दो लाइन बताने के बाद मैं खुद उनको आमंत्रित करूंगा। उन्होंने आज बहुत अच्छे ढंग से उनके ड्रीम के साथ मेरा रिलेट हो रहा है, जो पहले प्रॉब्लम था आज वो विजन क्लियर हुआ उसके ऊपर से साथी हुए। मेरा हर शेर तेरे जज्बात से अच्छा होगा, उन लोगों के लिए जो कभी सपना नहीं देखने देते थे, आज सर का सपना आरबीसी के माध्यम से पूरा क्लियर हुआ है। मेरा हर शेर तेरे जज्बात से अच्छा होगा, मेरा हर दिन तेरी रात से अच्छा होगा। साथियों इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, एक दिन ये नजारा भी देख लेना ये मेरे दोस्त, उन लोगों के लिए जो सपना नहीं देखने देते थे, एक दिन ये नजारा भी देख लेना ये मेरे दोस्त, मेरा जनाजा तेरी बारात से भी अच्छा होगा, तेरी बारात से भी अच्छा होगा। ये दोस्तों ये डॉक्टर साहब का सपना है, और ये सपने मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उनके करीब हूँ, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, हमेशा बात होती है
और मुझे पूरा भरोसा है कि आरबीसी के माध्यम से इनके सारे सपने पूरे होंगे और इसमें जितने शब्द लिखे गए हैं ये पूरा करेंगे। और मैं हम सारे लोग सारे महाराष्ट्र की तरफ से, पूरे इंडिया की तरफ से, पूरे वर्ल्ड की तरफ से आज के हमारे गेस्ट स्पीकर को सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज उनका वेलकम करता हूँ जो आरबीसी के ग्रेट लीडर हैं, मुंबई के अभी नए सितारे उभरते हुए फाउंडर लीडर हैं आरबीसी के। ऐसे आज के गेस्ट स्पीकर डॉक्टर अजय सिंह का जो एसटीटी स्टार डायमंड हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं इस चैनल पे। डॉक्टर साहब आपका वेलकम है और आप अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छी तरह से मेरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, सो मिश्रा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जहाँ भी आप लोग बैठे हुए, मिश्रा सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। वन अगेंस्ट गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज सारे लोगों को, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं आज यूट्यूब चैनल पे मुझे दिख रहे हैं, सारे लोगों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामना और एडवांस में दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामना। हम इस समय, हम सारे लोग इस समय जो COVID-19 के काफी में भरे हुए, मैं चाह रहा हूँ कि डीएक्शन के सारे लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा कि आगे भी हम सारे लोग, डीएक्शन ही नहीं पूरे वर्ल्ड के सारे लोग, एक अच्छा जीवन जिए, एक अच्छा स्वास्थ्य ले, एक अच्छी जिंदगी जिए। तो दोस्तों मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा प्रोफेसर सर को, जो कि आज मुझे इस आरबीसी यूनिवर्सिटी में दूसरी बार मौका मिला हुआ है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं प्रणाम करूंगा अपने गुरुदेव श्री प्रोफेसर के एन वासुपाल सर, रत्ना मैम, एस रंजन सर, के अग्रवाल सर, सारे लोगों को। आज ये समझ लीजिए कि आज डीएक्शन के ये चार स्तंभ हैं जो आरबीसी सिस्टम को लेकर के चल रहे हैं। बाकी सारे हमारे जितने ग्रेट लीडर्स हैं, सारे लोगों का मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सारे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और सारे लोगों का मैं आशीर्वाद चाहता हूँ कि आज जो भी एक्सपीरियंस मेरे पास है, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं आप लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर कर सकूँ। दोस्तों आज आरबीसी चैनल जो आज एक सबसे बड़ी, आज विश्व लेवल का जो सिस्टम हमारे पास है, हम लोग भाग्यशाली हैं कि उस सिस्टम में हम लोग हैं इस समय। उस समय हम लोगों को एंट्री मिली हुई है और उस सिस्टम के सहारे आज हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीएक्शन में बहुत सारे लोग या नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग बाई च्वाइस आए हैं, लेकिन डॉक्टर अजय सिंह नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM या मैं डीएक्शन की बात करूँ तो मैं बाई चांस आया हूँ। दोस्तों मुझे किसी ने बताया था, लेकिन उस व्यक्ति को मैं आज भी सलूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उसका मैं एहसान मंद हूँ कि उन्होंने मुझे सही समय पे डीएक्शन जैसी कंपनी का इंफॉर्मेशन मुझे दिया हुआ था, मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, उन्होंने मुझे मेंबरशिप दिलाई हुई थी, जिसकी वजह से आज मैं डीएक्शन में हूँ। उस व्यक्ति ने, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कोई मीटिंग होती है या जब भी हम किसी के साथ बैठते हैं या जब भी हम कोई बात करते हैं तो उसमें से कोई एक चीज आती है जो कि हमारे माइंड में जाकर के या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के बैठ जाती है और वह चीज हमारी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होता है। जो व्यक्ति मुझे बताया था, जो मुझे इंट्रोड्यूस किया था, और दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, डीएक्शन का शायद मैं सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैंने सर जब देखा, जब थोड़ा सा परखा, जब इस मार्केट के विषय में मुझे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिली, मैंने एक शब्द तैयार किया सीनियर का, जो बहुत सारे लोग हमारे मित्र हैं सर, हमारे फ्रेंड्स हैं, दुखी हो जाते हैं कि हमारा सीनियर मुझे साथ नहीं देता है। दोस्तों एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जिसका इमीडिएट अगर सीनियर उसका साथ नहीं दे रहा है, उसको धन्यवाद देना चाहिए डॉक्टर अजय सिंह की तरह। मैंने सर इसका डिफिनेशन किया था, सीनियर का मतलब होता है सी मीन्स दिखना, नियर मीन्स नजदीक, जो अपने नजदीक दिखे वही अपना सीनियर होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ सर कि आज हमारे सीनियर में SP मेहता जी आते हैं, नरेंद्र त्रिवेदी जी आते हैं, और उसके बाद मैंने, और कभी भी आपको एक मैं सलाह देना चाहूंगा सर, कभी हार मत मानिए, प्रयास करते रहिए, और शायद डीएक्शन का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मैं हूँ कि आज प्रोफेसर KN वासुपाल सर आज हमारे एक तरह से देखा जाए तो डायरेक्ट सीनियर है सर।
आज समझ लीजिए कि मैं डीएक्शन का कितना भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि आज सर मुझे गाइड करते हैं, सर का फोन आता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन सर का फोन आ जाता है कि डॉक्टर सिंह तुम क्या कर रहे हो, उस दिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ किया हुआ है। शायद मैं अपने को इतना भाग्यशाली मानता हूँ कि सर डीएक्शन में कोई भी व्यक्ति अपने को इतना भाग्यशाली मानता होगा। आज पूरी छत्र छाया अजय सिंह के ऊपर है, प्रोफेसर वासुपाल सर की है, और पूरी तरह से सर एक एक चीज का पता करते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा और मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि प्रोफेसर सर का, के अग्रवाल सर है, हमेशा गाइड करते रहते हैं। और सर का जो विजन है, जो आज इस उम्र में दोनों सर हमारे जो है इस उम्र में भी आज जो एक्टिविटीज दिखाते हैं बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज हमें याद रखना है कि अगर हीरे का टुकड़ा अगर होता है तो हीरा ही होता है। अगर के अग्रवाल सर, प्रोफेसर सर, रत्ना मैम, यश रंजन सर, या हमारे जितने भी ग्रेट अपलाइंट, जितने भी क्राउन एम्बेसडर हैं, जब जितने भी सारे लीडर हैं, वो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, हमारे अपलाइन हैं, हमारे पूरे डीएक्शन के जो फैमिली के सारे लोग हैं, अगर सर वो हीरा है, अगर मैं उसका एक टुकड़ा हूँ तो कीमत भी मेरी वही होगी जो प्रोफेसर सर की है, जो यश रंजन सर की है, जो रत्ना मैम की है, जो के अग्रवाल सर की है। इस चीज को सर हमको समझना पड़ेगा। जब तक हम, और दोस्तों एक चीज आप याद रखिए कि दुनिया में अगर आपको पैसा कमाना है, सर क्षमा चाहूंगा मैं, अगर दुनिया में आपको पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको अपने औकात बढ़ानी पड़ेगी। ये नेचुरल चीज है, आपको पैसा उतना ही मिलेगा सर जितनी आपकी औकात है। और औकात अगर कोई बढ़ा सकता है तो सिर्फ, अगर अजय सिंह को अपनी औकात बढ़ानी है तो इस दुनिया में कोई पैदा नहीं है सर जो मेरी औकात बढ़ा दे। अगर मुझे औकात बढ़ानी है तो मुझे ही बढ़ानी पड़ेगी। आप लोगों ने अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा होगा पढ़ते हुए, लेकिन उसी जिस स्पीड से वो पढ़ते हैं उसी स्पीड से वो नीचे गिर जाते हैं। उसका सिर्फ एक कारण होता है कि वो अपने औकात को बढ़ा नहीं पाते हैं। दोस्तों आज अगर आपको डीएक्शन से पैसा कमाना है, डीएक्शन में पैसा कमाना है, डीएक्शन में करियर लेना है, डीएक्शन में अगर आपको करोड़पति बनना है, तो सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मींस आपको नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों एक चीज मैं स्टार्ट में ही बताना चाहता हूं, अमीरी का रास्ता अगर चाहता है तो सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता है सर अच्छी किताबों का, मोटिवेशनल बुक्स का। आप अगर दुनिया में अगर देखेंगे, अगर सर्वे करेंगे, सर्च करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनकी एक खासियत आपको मिलेगी कि उनको अच्छी बुक्स पढ़ने की आदतें थी। सर हम लोगों को समझना चाहिए कि आज प्रोफेसर के एन वासुपाल सर, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, डबल गोल्ड मेडलिस्ट, आज भी अगर कोई एक मीटिंग आप बता दीजिए कि किसी भी मीटिंग में अगर प्रोफेसर सर जाते हैं, उनके बैग्स में 2, 4, 6, 10 बुक्स होती है या नहीं होती है। अगर सर अगर बुक्स लेकर के अगर जा रहे हैं, अगर बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ने के लिए हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए सर? टोटल हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज होती है सर, अगर आपको अमीर बनना है, अमीर बन के रहना, अमीर बनना बहुत कठिन काम नहीं होता है, अमीर बने रहना सबसे कठिन काम होता है। पैसा कमाना बहुत कठिन काम नहीं होता है, पैसा कमाते रहना ये सबसे बड़ी काम होती है। और उसके लिए सिर्फ एक रास्ता है, पूरे वर्ल्ड में केवल एक रास्ता है जो प्रोफेसर सर हमेशा बताते हैं। दोस्तों एक चीज आप लोग याद रखना कि किसी भी मीटिंग, किसी की भी मीटिंग हो, लास्ट में प्रोफेसर सर आते हैं, 10 से 15 मिनट बताते हैं। आपने कभी ध्यान दिया कि प्रोफेसर सर पर डे हम लोगों को दुनिया में लेटेस्ट क्या चीज होता है? आज अगर 26 तारीख है, 26 तारीख को 7:45 तक पूरे दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के क्या हो रहा है, वो सारा इंफॉर्मेशन प्रोफेसर सर ला करके हम लोगों को देते हैं। दोस्तों होता क्या है कि आसानी से मिली हुई चीज की कभी कभी हम कद्र नहीं कर पाते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने इन सारी चीजों का कद्र अगर आपने नहीं किया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी जिंदगी आपकी कद्र कोई नहीं करेगा सर। गिव एंड टेक ये प्रकृति का नियम है। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं सर कि सबसे पहले आप अगर देंगे नहीं तो पाएंगे नहीं। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, डायरेक्ट सेलिंग हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, MLM हो, आप बताओगे क्या चीज? तो इसलिए आज RBC चैनल, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ सर, मैं अपनी टीम में केवल एक चीज बताता हूँ, नए लोग, पुराने लोग जो भी मिलते हैं, मैं उन लोगों को एक सलाह आज मैं दे रहा हूँ कि सर अगर आपको डीएक्शन में सक्सेस होना है तो केवल एक काम करिए, केवल 7 दिन
सात दिन यूट्यूब चैनल पे, जैसे हमारे के अग्रवाल सर बोलते हैं कि 6:55 पे यूट्यूब चैनल को, आरबीसी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए कंटिन्यू सात दिन। आप लोगों ने देखा होगा कि इस सात दिन में आपको तरह तरह के लोग मिल जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये डॉक्टर अजय सिंह जो आप लोगों के सामने बात कर रहा है, आज से 6-7-8 महीना पहले एक केवल प्रोडक्ट की बात करता था, केवल गैनोडर्मा की बात करता था, स्पर्लिना की बात करता था, हेल्थ की बात करता था, डिजीज की बात करता था, डोज की बात करता था। लेकिन आज आरबीसी चैनल में आने के बाद, प्रोफेसर सर के संपर्क में आने के बाद, अग्रवाल सर के संपर्क में आने के बाद, मैंने एक चीज सीखा कि हमें प्रोडक्ट तो के पे तो डॉक्टर लीम सर ने, डॉक्टर रत्ना मैम ने, सारे लोगों ने हम लोगों को बता दिया है, उसमें कुछ भी बताने के लिए अब नहीं बचा हुआ है। उसमें सिर्फ एक चीज बचा हुआ है कि हम इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कितना करवा पा रहे हैं। इसके अलावा उसमें अब मेरे हिसाब से कुछ भी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 26 साल से दातुक डॉक्टर लीम सियो जी, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, वो पूरा अपना दिमाग लगा रहे हैं, प्रोफेसर सर पूरा दिमाग अपना लगा रहे हैं, रत्ना मैम पूरा दिमाग लगा रही हैं, यश रंजन सर पूरा दिमाग लगा रहे हैं, दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट, सारे डॉक्टर अपना दिमाग लगा रहे हैं। दोस्तों हमें वहां पे दिमाग लगाने की अब जरूरत नहीं है। रहा सेकंड वेल्थ का सेक्टर, अगर आज वेल्थ के सेक्टर में अगर हमको काम करना है तो हमको एक सिस्टम में आना पड़ेगा। अगर हम किसी सिस्टम में हैं तो सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत होती है कि अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हम ऑटो मोड में आ जाते हैं। और अगर आपको सफल होना है, जब तक आपका बिजनेस ऑटो मोड में नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा, तब तक आप कभी सफल, कोई न तो सफल हुआ है न तो आने वाले समय में सफल हो पाएगा। दोस्तों आज आप समझ सकते हैं, जो लोग मेरे विषय में जानते हैं, सारे लोगों को पता है मैं गैनोडर्मा पे एक एक दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच छह छह घंटे भी मैं बात कर सकता हूँ। स्पर्लिना पे मैं घंटों बात कर सकता हूँ, नोनेंजी पे मैं घंटों बात कर सकता हूँ। लेकिन आप सोचिए कि प्रोफेसर सर की चॉइस मुझे 2 बार आरबीसी चैनल पे मौका दिए, मुझे 1 बार हेल्थ से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं दिए, क्योंकि सर को अभी लग रहा है कि इस अजय को अब पैसा कमाना चाहिए या इसको पैसा कमवाऊंगा, इसलिए सर मुझे इस तरफ लेकर के आ रहे हैं। आज मुझे अगली बार भी आप लोगों को पता होगा कि फ्रंट नाइन लीडरशिप का सब्जेक्ट सर ने चॉइस किया था, इस बार भी सर ने मुझे जो सब्जेक्ट दिया हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग की आवश्यकता क्या। अगर आपको इसमें सक्सेस होना है, आपको क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, दोस्तों जब तक हम एक सही ट्रैक पर नहीं जाएंगे, तब तक आज तक ना तो किसी को सफलता मिली हुई है, ना तो हमें मिलेगी, ना तो शायद आप लोगों को भी मिलेगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, मैं प्रयास करूंगा कि एक इंफॉर्मेशन जो कि हमने प्रोफेसर सर से ही सीखा हुआ है, प्रोफेसर सर की दी हुई चीज है, उसको हमने अपने, क्योंकि प्रोफेसर सर चाहते हैं कि आज सारे लोग इसके भागीदार बने, इनको शेयर करें, सारे लोग इसके भागीदार बने। और मैं वापस पुनः एक बार प्रोफेसर सर, रत्ना मैम, यश रंजन सर, के अग्रवाल सर और सारे पूरे वर्ल्ड के डीएक्शन के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी सारे लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। प्रणाम करते हुए मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करता हूं। सर एक चीज, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है सर, इसेंशियल सर ने हमें जो सब्जेक्ट दिया था कि आज अगर आप लोग देख रहे हैं सर, COVID-19 में अगर कोई गाड़ी भी लेकर के अगर निकल रहा है तो उस पर भी इसेंशियल शब्द लिखा हुआ है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हम आज जो COVID-19 को लेकर के हैं, इसमें बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, हम जिस सेक्टर में हैं, जहां पे हम काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हमको सक्सेस होना है, हमको अगर सफलता पानी है, हमको इसमें नेम फेम अगर सारी चीजों को बढ़ाना है, हमें इसमें टिके रहना है और इसमें हमें सक्सेस पाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे जरूरी चीज होती है कि अगर हमको सक्सेस होना है तो हमको सबसे पहले तय करनी पड़ेगी कि हमारी प्राथमिकता क्या है, हमें सर्वप्रथम क्या चीज करना है, प्रायोरिटी क्या चीज है, किस चीज को अगर हम करेंगे ये डिसाइड आप कर सकते हैं। इस चीज को प्रोफेसर सर शेयर कर सकते हैं, मैं भी यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ, करना आपको पड़ेगा, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट भी आपका होगा सर। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में जैसे सारे लोग, ज्यादातर लोग, जैसे कि मैं खुद दो चीजों पे मेरा ज्यादा फोकस है, 2-3 चीजों पे। नंबर 1, 1 तारीख को 3,500 PV करना,
ये आज हमारी हमारे काम जो मैं डायरेक्ट सेलिंग या मैं डायरेक्शन में जो काम कर रहा हूँ, मेरी सबसे अगर प्राथमिकता अगर कोई चीज है, अगर कोई प्रायोरिटी है, तो सबसे पहला चीज है 1 तारीख को 3,500 पीवी करना। नंबर 2, 1 तारीख को क्वालिफाइड डायमंड होना। दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज और मैं करना चाहूंगा कि 1 तारीख को मैं क्वालिफाइड डायमंड होता हूँ, लेकिन अब जो मेरी जो मैं प्राथमिकता दे रहा हूँ नेक्स्ट मंथ से, क्योंकि मैंने एक शब्द बोला, मैं बोलता हूँ सर कि मुझे अगर सबसे ज्यादा अगर पूरे दुनिया में अगर किसी शब्द से अगर नफरत है वो कोशिश शब्द है। कोशिश शब्द मुझे बिल्कुल से पसंद नहीं आता है। अब मैंने सर जो मैंने जो प्राथमिकता मैं देने जा रहा हूँ सर कि 1 तारीख को, जैसे कि मैं एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड हूँ, 1 तारीख को एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड क्वालिफाइड करना। तो तीसरी चीज है सर कि अगर आपको सक्सेस रहना है, अगर आपको जिंदा रहना, अगर आपको सर्वाइव करना है, तो आपको न्यू ब्लड लाना ही पड़ेगा। मींस नई ज्वाइनिंग आपको लानी ही पड़ेगी अगर आपको डिएक्शन में जिंदा रहना है तो। बाकी सर हम किस तरह से, जो लोग हैं आज अगर हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं सर, अगर हम न्यू ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, अगर एक तारीख को अगर हम 3,500 पीपी नहीं कर पा रहे हैं सर, तो डिएक्शन में तो हम हैं, लेकिन इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इन सारी चीजों को प्रमोट प्रोफेसर के एन पासुपाल कर रहे हैं सर, जो कि इकोनॉमिस्ट के प्रोफेसर डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अगर वो किसी चीज को अगर प्रमोट कर रहे हैं, वो किसी चीज को अगर मार्केट में लेकर के आ रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि इस चीज की खासियत हमारे लिए क्या हो सकती है। मैंने सर 1 तारीख को 3,500 पीबी, 1 तारीख को क्वालिफाइड स्टार डायमंड और न्यू ज्वाइनिंग। इस महीने में मैंने नॉन डायमंड से लगभग 25 ज्वाइनिंग मैंने निकाला हुआ है, पूरी टीम से 50+ ज्वाइनिंग अब तक आ चुकी है, जो इस पहले मेरा ये रेशियो बहुत कम था। अब इसको मैं पूरी से और इस चैनल से प्रोफेसर सर और के अग्रवाल सर को और इंटायर जो जितने लोग इस मैं सारे लोगों को भरोसा देना चाहता हूं सर कि अगले महीने से मेरा अगर टारगेट है तो न्यू ज्वाइनिंग ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अगर नया ब्लड अगर हमारी बॉडी के अंदर नहीं आएगा तो एक चीज याद रख लेना सर कि अगर नया ब्लड अगर आपके शरीर में नहीं बनेगा तो पुरानी बीमारियां आपके घर में जगह जरूर करेंगी। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जैसे कि अगर हमारा शरीर अगर नया ब्लड नहीं बनाए, पुरानी बीमारियों का मतलब है सीधे सीधे सर कि डिसऑर्डर, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, जो तमाम तरह की बीमारियां होती हैं सर, इस तरह की बीमारियां हमारे डायरेक्ट सेलिंग में भी लगने वाली हैं। सेकेंड चीज आता है सेंस ऑफ अर्जेंसी सर, आपकी भावना जो है तत्काल क्या चीज करना है, मतलब तत्काल किस चीज को आपको क्या करना है। आपने इन सारी चीजों को डिसाइड किया सर, उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 तारीख को हमने 3,500 पीपी कर लिया, 29 दिन हम आराम करते हैं। इस सिस्टम में क्या सर, इसलिए आप काम करते हो क्या? जी नहीं, आपको इस चीज को कंटिन्यू आपको रखना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा सर कि आपके लिए जरूरी क्या चीज है। जरूरी ये नहीं है सर कि आपने 1 तारीख को 3,500 पीपी कर लिया तो आपने सब कुछ कर लिया। इसके आगे सारा काम बचा रहता है और वो सबसे ज्यादा जरूरी काम होता है कि आपकी टीम में कितने लोगों ने 3,500 पीपी नहीं किया, आपकी टीम में कितने लोग क्वालिफाइड डायमंड नहीं हुए। आपको ध्यान देना होगा कि आपके टीम में कितने लोग नई ज्वाइनिंग नहीं ला रहे हैं। दोस्तों कभी कभी हम ज्यादातर वहां पर 1-2-4 जन ने कर दिया, उन्हीं को लेकर के खुश हो जाते हैं। जी नहीं, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको इन सारी चीजों को कंटिन्यू करना पड़ेगा, नो डिपेंडेंसी। अगर आप लीडर हो सर, अगर आप लीडर हो और इसमें अगर सबसे आवश्यक अगर कोई चीज है, अति आवश्यक अगर कोई चीज है, तो वो है सर कि स्वावलंबी होना, खुद पे भरोसा करना। अगर मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं सर, ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। कभी एक एग्जांपल, मैं इस चैनल पे सारे बड़े लोग बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से चैलेंज के साथ एक बात करना चाहता हूं। एक एग्जांपल मुझे दे दीजिए कि जो आदमी आत्मनिर्भर नहीं था, ईश्वर ने उसका साथ दिया हो। कभी नहीं हुआ सर, कभी नहीं हुआ है। ईश्वर भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो खुद पे डिपेंड होता है, ईश्वर भी उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। ईश्वर कभी कोई काम करते नहीं है, वो काम करवाते हैं। और काम किससे करवाएंगे,
जो स्वावलंबी होगा, जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा। प्रोफेसर सर भी आज क्या चाह रहे हैं सर, प्रोफेसर सर का एक ही डिमांड है, एक ही रिक्वायरमेंट है, एक ही इच्छा है कि सारे के सारे लोग सेल्फ डिपेंड हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस एज में आज प्रोफेसर साहब एक काम कर रहे हैं, दोस्तों मुझे शर्म आती है, अजय सिंह को शर्म आती है कि अगर मैं आज इस लायक होता और मैं बोलता जैसे एक बाप अपने बेटे को बैठा करके बोलता है कि पिताजी आपकी एज हो गई है, आप बैठो, मैं आपको कमा करके खिलाऊंगा, मैं आपकी रिक्वायरमेंट पूरा करूंगा। लेकिन आज अजय सिंह ए डॉक्टर अजय सिंह खुद शर्मिंदा महसूस कर रहा है कि आज इस एज में मैं इतना नालायक बेटा पैदा हुआ प्रोफेसर सर को, कि प्रोफेसर सर को इस एज में काम करना पड़ रहा है। मेरे लिए सबसे दुख की बात है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मेरी मीटिंग जब खत्म हो जाए, मीटिंग खत्म होने के बाद खुद से एनालिसिस करिएगा कि क्या इस एज में प्रोफेसर साहब को काम करना चाहिए था। अगर हम लोग ईमानदारी से अगर अपने काम को अगर हमने एक अच्छा प्रारूप दे दिया होता तो आज प्रोफेसर साहब चेन्नई में घर में बैठे रहते और इस मीटिंग को, इस सारे सिस्टम को अजय सिंह ऑर्गेनाइज कर रहा होता, प्रोफेसर सर अपने घर में बैठ के देख रहे होते और वहां से हम लोगों को आशीर्वाद देते कि आज हमारे बेटे इतने लायक हो गए कि मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन आज सच है, इस चीज को एक्सेप्ट करिएगा। अभी बिल्कुल मत सोचिए मीटिंग खत्म होने के बाद अपने अपने घर में जाकर के बैठ करके आप लोग एक एक कप कॉफी पी करके सोचिएगा कि क्या प्रोफेसर सर की मेहनत को हम लोग आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो शायद अपने आप से पूछ लीजिएगा, बहुत कम लोग निकलेंगे सर, उंगली पे हम गिन सकते हैं ऐसे लोग निकले हुए हैं जो प्रोफेसर सर के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो चीज प्रोफेसर सर दे रहे हैं उसको भी लेने की हमारी औकात नहीं रह गई सर, उस चीज को भी हम नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मीटिंग खत्म हो जाएगी हम बाद में देख लेंगे। दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि आज मुझे ही ले लीजिए, ए अजय सिंह यहाँ से आज मीटिंग दे रहा है सर। आप जो लोग मीटिंग को सुन रहे हैं, आत्मा से आत्मा मिलती है सर, एक अच्छा काम हो जाता। दूसरी चीज मैं सेल्फ अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर, होता क्या है, आपके साथ भी होता होगा, आप इस चीज को एनालिसिस कर लीजिएगा। आरबीसी यूट्यूब चैनल पे जाकर के हम कोई वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो हम 10 से 5 15 मिनट तक देखते हैं सर, अपने आप से रिलेट करिएगा। मैं केवल अपनी बात बता रहा हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आरबीसी चैनल पे मैं प्रोफेसर सर का वीडियो देखता हूँ, चला जाता हूँ सर किसी दूसरे चैनल पे चला जाता हूँ, जाकर के मैं कपिल शर्मा का लाफ्टर चैनल देखने लगता हूँ, वहां से घूम करके कुमार विश्वास की कविता सुनते हुए राहुल गांधी का भाषण सुनने लगता हूँ सर। मेरे साथ ऐसा होता है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। इसलिए मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो के अग्रवाल सर बोलते हैं 6:55 का टाइम सर 24 घंटा में 1 घंटा अगर आप सीखने के लिए नहीं निकाल सकते हैं तो मैं समझ रहा हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य अजय सिंह का नहीं हो सकता है। मैं आप लोगों के लिए सर कुछ नहीं कर सकता हूं, और इन सारी चीजों को दिमाग में बैठाना ही पड़ेगा अगर आपको सफल होना है। तो पूरे दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है सर कि बगैर सीखे, और नेटवर्क मार्केटिंग की तो और एक पायदान आपको आगे जाना पड़ेगा सर, कि सीखने से काम नहीं चलेगा, जब तक कि आप अपने लोगों को सिखा नहीं पा रहे हैं तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आपको कोई चीज सिखाना है तो सिखाने से पहले प्रकृति का नियम है गिव एंड टेक, अगर आप खुद नहीं सीखे हो तो आप दूसरे को कभी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं सिखा पाया है और आप भी नहीं सिखा पाओगे। और मेरे हिसाब से जहां तक मैं जान पाया हूँ, जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मैं सोच पाया हूँ, प्रेजेंट टाइम में आरबीसी चैनल, आरबीसी यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर सर का सिस्टम और प्रोफेसर सर से बढ़िया आशीर्वाद देने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में दूसरा व्यक्ति कोई आपको नहीं मिलेगा। ये व्यक्तिगत मेरी सोच है, आपको क्या सोचना है सर उस चीज को आप डिसाइड कर लीजिएगा। बहुत जरूरी होता है अगर हमको डायरेक्ट सेलिंग में या अपनी जिंदगी में कहीं भी अगर आपको सक्सेस होना है, अगर सक्सेस होना है तो आपको ड्रीमर बनना ही पड़ेगा। हम क्या करते हैं सर, कभी कभी देखिए लोग बोलते हैं सपना सपना, तो मुंगेरी लाल भी देख रहे थे, बहुत फेमस है मुंगेरी लाल का सपना। मुंगेरी लाल वही सपना देखते थे जो पूरा ही नहीं होता था, सपना देखते थे और भूल जाते थे। दोस्तों हमारे यूपी साइड में कहावत कही जाती है, हो सकता हर जगह कही जाती हो, कि सपना कभी नहीं होता अपना। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, और ये सच चीज है, सपना कभी नहीं होता अपना। आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे सपने देखे होंगे सोते समय या सोने में या नींद में। मैं आपसे जानना चाहूंगा या अपने आप से आप पूछिएगा कि कितने सपनों को सर आप याद कर पाते हैं,
कितने सपने आपके काम के होते हैं? 95% सपने जब हम सो करके उठते हैं उतने में ही भूल जाते हैं। सपने भी वही याद रहते हैं जो किसी भूत प्रेत या डरावना सपना होता है, वही सपना हमें याद रहता है। जितने अगर हमने गलती से कोई अच्छा सपना देख लिया तो सुबह होते होते उन सारी चीजों को हम भूल। इसका ड्रीम एक्सरसाइज है, ड्रीम अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया, अगर ड्रीम देखिए कुछ लोग अपने ड्रीम को पाल लेते हैं, पालने के बाद क्या बोलते हैं, अगर कोई ड्रीम है तो उसको शेयर नहीं करते हैं, किसी से बताते नहीं है, उनको शर्म आती है। सर सपने से अगर आपको शर्म आएगी तो आपकी सफलता को आपके ऊपर शर्म आएगी या नहीं आएगी, इस चीज को आप बैठ करके सोचिएगा। अगर आपको अपना ड्रीम बताने में, अपना सपना बताने में, अपनी सफलता बताने में अगर आपको शर्म आ रही है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं सारे जो लोग हैं जो लोग इस तरह का बिहेव करते हैं सर, मैं उनसे एक चीज जानना चाहता हूं, क्या आपको अपना सपना बताने में अगर आपको शर्म आएगी, आपकी सफलता आपके पास आने में उसको शर्म आएगी या नहीं आएगी, ये आप अपने आप से पूछ लीजिएगा। फील हिम कंफर्टेबल एंड रिलैक्स। सपना देखिए तो एकदम कंफर्ट, एकदम देखिए सपना जब भी आप देखिए, देखिए तीन चीजें होती हैं अगर आपको जिंदगी में सफल होना, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा था, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले सर आपके अंदर सपना होना ही चाहिए। सपना अगर आपने लिखा, और सपना ऐसे ओरल नहीं होना चाहिए, दो चीजें होती हैं अगर डायरेक्ट मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेस होना है, सफल होना है, तो आपके पास दो लिस्ट होनी चाहिए सर। पहली लिस्ट होनी चाहिए ड्रीम की और दूसरी लिस्ट होनी चाहिए नेटवर्क की, प्रोस्पेक्ट की। अगर जितना बड़ा आपका सपना उतनी बड़ी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट, अगर दो चीज को अगर आपने पहले कर लिया, मैं आपको सर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक ले। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज से कुछ दिन पहले मैं अपने आप से पूछता था, ना तो मेरे पास कोई सपनों की लिस्ट थी, ना ही मेरे पास कोई प्रोस्पेक्ट की लिस्ट थी। लेकिन दोस्तों जब मेरे सपनों की लिस्ट बनी तब जाकर के मेरे प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि सपना जितना बड़ा होगा आपकी लिस्ट भी उतनी बड़ी होगी। सेकेंड चीज होता है सर कि सपना के साथ साथ आपका गोल होना चाहिए। और दोस्तों मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में जिसका गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। अगर आप अपने मोल को बढ़ाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इस दुनिया में आपका कोई मोल हो, तो सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए। अगर गोल नहीं तो आपका कोई मोल नहीं। और इन सारी चीजों को पाने के लिए सर आपके पास एक चीज करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं एक्शन। और जब आप एक्शन करोगे तो दोस्तों एज ए डॉक्टर जो मुझे एक्सपीरियंस है, जब आप कोई एक्शन करोगे तो ही रिएक्शन आएगा। हम घर में बैठे रहते हैं और हमेशा नेगेटिव थॉट रहता है हमारे मन में कि अगर मैं इनको बोला उन्होंने नहीं सुना तो, अरे यार बोलो तो सही, आपने बोला क्या, पहला प्रश्न मैं आपसे पूछता आपने बोला क्या। बोलने से पहले आपको किसने हक दिया ये सोचने के लिए कि उसने ना बोल दिया तो, ये हक किसने आपको दिया सर, अपने आप से पूछिएगा ये हक आपको किसने दिया कि आप बोलने से पहले ये सोच लेते हैं कि सामने वाला ना बोल दिया तो। दोस्तों आप बोलिए, अगर हम बात तो हर तरह की करते हैं ना, तो हम क्यों ना एक बात करें। और बात भी किस चीज का करना है सर, खुद की जिंदगी बदलना, और दूसरे की जिंदगी में भी आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चांस है, मौका है, ये अपॉर्चुनिटी हमको मिली हुई है, ये अपॉर्चुनिटी हमको दी गई है इन सारी चीजों को। दोस्तों एक सलाह मैं और आपको देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं जिनके दिमाग में रहता है कि डायरेक्शन में आकर के हमको कमीशन मिलेगा। डायरेक्शन सर दोस्तों जहां तक मैं समझ पाया हूँ, डायरेक्शन जो है कमीशन के लिए नहीं है सर, ये बहुत बड़ा मिशन है। आपने देखा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग का जब प्रोग्राम था, हमारे गुरुदेव प्रोफेसर सर गए हुए थे, लोगों ने क्या बताया आप समझिए सर, कि प्रोफेसर सर ने कमीशन की बात नहीं किया, प्रोफेसर सर ने वहां मिशन की बात किया। सारे लोगों ने बताया मेरे पास फार्म हाउस है, मेरे पास एक गाड़ी, मेरे पास बंगला, मेरे पास फलाना, मेरे पास डिंगना, लेकिन प्रोफेसर सर ने क्या बताया, प्रोफेसर सर ने अपना मिशन क्या बताया, डायरेक्शन का मिशन क्या बताया, डॉक्टर लिम्स योजन का मिशन क्या बताया, और सर के साथ में डॉक्टर अजय सिंह का मिशन क्या है, दुनिया से माल न्यूट्रिशन को हटाना, माल न्यूट्रिशन को खत्म करना। ये डॉक्टर ए प्रोफेसर के एन वासुपाल सर ने वहां पे अपना मिशन बताया था, प्रोफेसर सर ने कमीशन की बात नहीं की थी। प्रोफेसर सर ने अपना फार्म हाउस, गाड़ी,
बंगलो, एक चीज का चर्चा प्रोफेसर सर ने नहीं किया था। दोस्तों, इन छोटी छोटी चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि डिएक्शन कमीशन के लिए नहीं है, डिएक्शन एक बहुत बड़ा मिशन है। आप अपने आप को कहाँ रखते हो? अगर आप सर कमीशन के लिए काम कर रहे हो, क्षमा चाहूंगा, तो आप दलाल हो। अगर आप किसी मिशन में काम कर रहे हो, आप एक मैसेंजर हो, आप एक दूत हो, और अगर मेरी भाषा में अगर बोला जाए तो आप देवदूत हो सर, आप ईश्वर हो, आप गॉड हो, आप भगवान हो, आप अल्लाह हो, आप जीसस हो, ये सारी भी जो सारी चीजें हैं वो आप हो सर। वो इन सारी चीजों से ये सारे लोग अलग नहीं होते हैं, वो लोग भी वही थे जो आज हमारे प्रोफेसर के एन पासो पार सर हैं। सर आपको सर जो भी आप सपना देख रहे हैं सर, उस पर आपका विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हम देखते हैं फिर होता होगा या नहीं होगा, जी नहीं। कोशिश शब्द आप अपने जिंदगी से निकाल दीजिए। दोस्तों, मैं एक सलाह देना चाहूंगा, इस पर आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। इस सारे शब्दों को दो चार बार कह करके देख लीजिएगा। आप 5 दिन कोशिश 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 शब्द कह करके देख लीजिए। 5 दिन कोशिश शब्द को हटा करके कह लीजिए, आप देखेंगे कि आपके जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। अगर मेरे जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है तो आपकी भी जिंदगी में आ सकता है। तो जो भी ड्रीम आप पाल रहे हैं सर, सबसे पहले अच्छा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सर, वो सोचते हैं कि मेरा ड्रीम सर, ड्रीम की लिस्ट बनाने का मैं आपको बता रहा हूँ सर। आपकी ड्रीम घर में सर पत्नी है, उससे पूछिए उसका ड्रीम क्या है। घर में माँ है सर, उनका ड्रीम क्या है। पिताजी का क्या ड्रीम है, भाई का क्या ड्रीम है। सर अगर आप अगर ज्यादा सक्सेस होना चाहते हैं तो पड़ोसी का ड्रीम आप जानने की कोशिश करिए, रिश्तेदारों की सर ड्रीम जानने की कोशिश करिए, और यार दोस्तों की ड्रीम जानने की कोशिश करिए सर। जब आप ड्रीमर अगर बन जाएंगे सर, क्योंकि ये आपका बिजनेस नहीं है, लोगों का बिजनेस है, पब्लिक का बिजनेस है, और अगर सारे लोगों के ड्रीम अगर को अगर आप सर खुद की ड्रीम के साथ साथ अगर लोगों की ड्रीम को अगर आप जागृत करना शुरू कर देंगे सर, अपनी ड्रीम अब ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। लेकिन ड्रीम गोल एक्शन, ड्रीम गोल एक्शन, ड्रीम गोल एक्शन, तीन चीज को सर जैसे कोई मंत्र होती है, इस तरह से अगर हम अपनी जिंदगी में अगर इन सारी चीजों को अगर करने की कोशिश करें, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें अमीर बनने से, मिलियनेयर बनने से, और सर परमानेंट अमीर, अमीर भी दो तरह के होते हैं सर, एक परमानेंट होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। जैसे मैंने बताया कि RBC चैनल पे आकर के अगर आप सीखते रहेंगे, परमानेंट आप अमीर रहेंगे, नहीं तो वही चीज होगा सर, प्रकृति आपको पैसा आपके औकात के हिसाब से देगी। अगर आपके पास गलती से पैसा आ गया और आपने अगर अपने औकात को नहीं बढ़ाई, पैसा वापस चला जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी जिंदगी में आए होंगे और ये चीज आपके भी साथ हो सकता है। डेवलपमेंट बिजनेस मेंटालिटी, सबसे बड़ी चीज होती है हम डिएक्शन कर रहे हैं आज सर। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं जैसे हम मुझे ले लीजिए सर, मुझे डॉक्टर बताने में गर्व महसूस होता है, लेकिन जब हम डिएक्शन की बात आती है तो हम एकदम सिकुड़ जाते हैं। जी नहीं, जब आपको बताना हो सर, आप बता सकते हैं मैं ग्लोबल बिजनेस कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूँ, मैं दुनिया में एक समाज सेवा कर रहा हूँ और मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ सर। जब तक बिजनेस मेंटालिटी आपकी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे अंदर है ही नहीं सर, इसको हमको डेवलप करना है, जिसका प्रयास प्रोफेसर के एन बासु पाल सर कर रहे हैं, के अग्रवाल सर कर रहे हैं, जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं सारे लोग कर रहे हैं सर। आज अगर देखा जाए सर, अरविंद सर को सर सुनिए, आप उनकी मीटिंग सुनिए सर, जो काम एक डॉक्टर नहीं कर सकता है सर, वो काम जो सारे रिसर्च जो सारी चीजें वो ढूंढ करके लाते हैं सर। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटालिटी जो है सर, उन्होंने डेवलप किया, बिजनेस मेंटालिटी आ गई सर, उन्होंने मिशन लिया कि हम भारत से बीमारी और गरीबी दोनों चीज को हटाएंगे। कहाँ से आया सर, RBC चैनल में प्रोफेसर सर को, रत्ना मैम को, यश रंजन सर को, के अग्रवाल सर को सुनते सुनते सर ये सारी चीजें हमारे दिमाग में बैठती जा रही है सर। आज बहुत सारे रोशन कुमार जी हैं सर, ऐसे ऐसे लीडर हैं, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को ला करके सर रख देते हैं कि जहाँ बड़े बड़े सर जो धुरंधर अपने को पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड समझते हैं, वो भी चीज उनके समझ में नहीं आती है, जो सारी चीजों को सर RBC के जो योद्धा है वो ला करके दे देते हैं। तो सबसे पहले अपने माइंड को डेवलप करना पड़ेगा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। जब तक ये मेंटालिटी हमारे अंदर नहीं आएगी, जब तक सर हमारे अंदर आएगी कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिंगना हूँ, तब तक आप अमीर नहीं बन सकते सर। जब तक कि आपके दिमाग में एक चीज नहीं आएगा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, डिएक्शन एक हमारा बिजनेस है, इससे मुझे पैसा कमाना है, इससे आपके गरीबी को दूर करना है, बीमारी से दूर करना है, अपना दूर करना है, अपने लोगों का दूर करना है, जब इस तरह की मेंटालिटी हमारे अंदर आएगी तब जाकर के हम खुद सफल होंगे और अपनी जिंदगी में कुछ लोगों को सफल कर पाएंगे। लेकिन जब तक
अगर हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों बहुत बड़ी चीज होती है क्रिएट अ मोमेंटम एंड मेंटेन द मोमेंटम। अभी क्या है, जैसे मैंने एक बात किया कि हमने 3500 पीपी एक तारीख को कर दी, 29 दिन हम सो रहे हैं। जी नहीं, ये जो मोमेंटम किसी भी चीज के लिए अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसको हम मेंटेन कितना करते हैं, क्रिएट करने से ज्यादा मायने रखता है कि हम मेंटेन उसको किस तरह से कर पा रहे हैं। किसी चीज को ले लीजिए सर, कभी कभी हम बड़े उत्साह में आते हैं। दोस्तों एक चीज मैं मुझे याद आया, मैं आपको और बताना चाहूंगा। अगर आप, मैं बड़ी बात करने जा रहा हूं सर, कि अगर आप प्रोफेसर साहब के स्पीच के बाद अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, आज डीएक्शन से रिजाइन कर दीजिए सर। जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे सर, जब तक आपके अंदर, और उसके लिए सर ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, क्रिएट अ मोमेंटम एंड मेंटेन द मोमेंटम, आज सर जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर वो आग नहीं लगेगी, होगा क्या सर कि एक ही चीज होगा सर, आकर के हम लोगों को बता देते हैं, हम थोड़ा सा एक्साइट हो जाते हैं, फिर पता चला कि जैसे मीटिंग से बाहर निकले हम क्या हो जाते हैं, पूरा एकदम फॉल डाउन हो जाते हैं। जी नहीं, हमको हमेशा एनी टाइम होना चाहिए कि जो चीज प्रोफेसर साहब ने हमको एक बार दे दिया है उस चीज को हम अपने अंदर कितना समाहित कर पा रहे हैं, उस चीज को लेकर के सर हमेशा। मैं दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पिछले 5-6-7 महीने से जब से प्रोफेसर सर का, के अग्रवाल सर का आशीर्वाद हम लोगों को मिला हुआ है, एनी टाइम सर आप एनी टाइम आप देख सकते हैं, चीजें हमारे अंदर भी नहीं थी, इसलिए मैं इन सारी चीजों को बोलता था। मेरे अंदर भी एक ही चीज होता था, किसी मीटिंग को अटेंड करता था, एक दे देना, एक कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, क्राउन अम्बेसडर से नीचे सोचता ही नहीं था, 3 दिन के बाद भूल गया। जी नहीं दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह अजय सिंह आज एक कदम अगर रखेगा तो वो उस कदम से आगे जाएगा, अगर वो जिंदा है तो पीछे नहीं आएगा। और दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आप लोगों को कि मेरा जो गोल है, जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, आज मैं एक बड़े चैनल पे, मैं सारे बड़े लीडरों के सामने मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं सर, जो मेरा लास्ट लॉन्ग टर्म जो सबसे बड़ा मेरा गोल है जिसको मैं अचीव करना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं। दोस्तों आप एक चीज सोचेंगे कि मरना मतलब क्या, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज के डेट में महात्मा गांधी मरे हैं, गौतम बुद्ध मरे हैं, महावीर मरे हैं, इंदिरा गांधी मरी हैं, आज इन लोगों की जयंती, इन लोगों का बर्थ सेलिब्रेट किया जाता है या नहीं किया जाता है। दोस्तों मेरा टारगेट है कि मैं जीना चाहता हूं, मैं तब तक जीना चाहता हूं जब तक ये ब्रह्मांड रहे, मेरा लक्ष्य है, मेरा टारगेट है, मेरा गोल है, उसके लिए अब काम करने के लिए मैं तैयार हूं। अपने आप से मैंने कमिटमेंट किया हुआ है कि अजय तुझे मरना नहीं है, तुझे जिंदा रहना है, उस तरह से जिंदा रहना है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, बहुत सारे ऐसे पूर्वज हैं जो मरने के बाद भी जिंदा है। और मेरा जो सर टारगेट है, जो गोल है, जो लक्ष्य है कि मुझे मरना नहीं है, ये मेरा पर्सनल टारगेट है। मैं उस टारगेट पे अब काम करूंगा। और प्रोफेसर सर रत्ना मैम, यश रंजन सर, और अगर के अग्रवाल सर का अगर आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा तो इस चीज को मैं करके दिखाऊंगा, करके ही मरूंगा। इसको करने के पहले मैं मरने वाला नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। दोस्तों चीज को क्रिएट कर मतलब मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी है, दूसरे की नहीं है। कभी आप ज्यादा, बहुत ज्यादा तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है, धीरे चलने की भी जरूरत नहीं है। इतना तेज चलो कि चलने में आपकी सांस ना उखड़े। कभी कभी हम गलती करते हैं, या तो आलस होके सो जाते हैं या बहुत तेज दौड़ते हैं, दोनों में आपका नुकसान है। इतने ही स्पीड से आप चलिए जितनी स्पीड में आपकी सांस ना उखड़े। दोस्तों मैं इन सारी चीजों को आपको आज इसलिए बता रहा हूं, और जो लोग मेरे विषय में जानते हैं, या मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं वही बात करता हूं जिस पे मैं अमल करता हूं। मैं बहुत सारी चीजों को नहीं करता था, इसलिए इसके पहले मैं कभी नहीं बात करता था। मेरे पास ना तो ड्रीम की लिस्ट थी, ना तो मेरे पास प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट थी, लेकिन आज दोनों चीजें मेरे पास है। जब आप चाहें मैं सारी चीजों को दिखा सकता हूं, उस पर काम कर रहा हूं। हो सकता है समय लगे, हो सकता है कि जो डेट में डाला हूं उससे थोड़ा सा आगे पीछे हो, लेकिन होगा तो जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, क्योंकि करने के लिए ही ये अजय सिंह पैदा हुआ है, करके दिखाएगा। ये मैं आप लोगों से इस आरबीसी के इतने बड़े वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी में मैं आप लोगों को भरोसा दिला रहा हूँ। भरोसा इसलिए दिला रहा हूँ सर कि यही चीज
आप लोगों को करना है, आपको मरना है, जीना है, टोटल आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या करना है। लेकिन जो चीज भी करिए, जो चीज भी करिए उसको ईमानदारी से करिए, कमिटमेंट के साथ करिए। अगर कमिटमेंट के साथ आप करेंगे तो 101% वह चीज पूरी होने वाली है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको रोक सके। ओके सर, एक ध्यान दीजिए, हम कभी कभी क्या करते हैं, किसी चीज को कर लेते हैं और करने के बाद क्या करते हैं, उसको एकदम हो जाते हैं। हमें हमेशा जो भी चीज करिए सर, अग्रेसिव होकर के करिए। जैसे मैंने बोला पिछली स्लाइड में, आपने देखा कि अगर आपको मेंटेन करना है सर, एकदम अग्रेसिव होकर के आप उस चीज को मेंटेन अगर करना है, तो ऐसा नहीं कि हम आज कुछ कर रहे हैं कल कुछ कर रहे हैं, आज हमने ये सोचा कल हमने वो सोचा, जी नहीं। आपको एक किसी भी चीज के लिए, उन सारी चीजों के लिए आपको सर एकदम बैलेंस बना करके उन सारी चीजों पे आपको आत्मविश्वास के साथ, अगर आपको आपके अंदर अगर आत्मविश्वास नहीं है तो आप समझ लीजिए कि दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह आप सक्सेस नहीं हो सकते। फोकस वर्किंग रूल 80-20 दोस्तों, ये 80-20 रूल्स 35 रूल नहीं है, इसे बहुत तमाम तरह की चीज आती है। कोई 80-20 मानता है, कोई 70-30 मानता है, कोई 90-10 मानता, अलग अलग है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो रूल है इस पे अगर हम फोकस करें, इस पे अगर हम विश्वास करें, तो एक आप एक बैलेंस रह करके आप समझ सकते हैं और आप ज्यादा भटकेंगे नहीं, आप भ्रमित नहीं होंगे। 80-20 रूल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं सर, इस चीज को हम, इस एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं तो शायद बहुत सारी चीजें जो कॉन्सेप्ट हमारा है कि हमको हमारे लिए जरूरी क्या चीजें हैं, जो हम कभी कभी नर्वस हो जाते हैं रिजल्ट्स को देख करके, हम क्या लगता है नहीं आ रहे तो चीजें हमसे नहीं हो पाती है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स मैं सर आपको देना चाहूंगा कि 80% लैंड एंड मनी ओन बाई 20% पीपल। आपको भी पता है, सबको पता है सर कि 80% पैसा और 80% जमीन के मालिक 20% लोग हैं। 80% जो मटर के दाने होते हैं सर, वो 20% फली से आता है। 80% रिजल्ट, ध्यान देना सर, ये हमारे लिए खास तौर से है। 80% रिजल्ट 20% एक्शन से आता है, बशर्ते कि वो एक्शन राइट वे में होना चाहिए, राइट डायरेक्शन में होना चाहिए और राइट सिस्टम में होना चाहिए। अगर हमने 20% अगर एफर्ट डाला तो 80% का रिजल्ट हम ले सकते हैं। खास तौर से सर हम डायरेक्ट सेलर को होना चाहिए। दुनिया में सर 80% क्राइम जो होता है वो 20% क्रिमिनल्स करते हैं, 80% अल्कोहल जो है 80% एक्सीडेंट जो है 20% ड्राइवर्स करते हैं, 80% डिवोर्स जो होते हैं 20% मैरिड लोगों से होता है, 80% ट्रैफिक 20% रोड पे होता है सर। 80% दुनिया का 80% जो ट्रैफिक होती है वो 20% रोड से होते हैं। 80% टाइम्स जो कपड़ा जो कपड़ा हमारे पास होता है सर, हम ज़्यादा से ज़्यादा 20% कपड़े को बार बार यूज करते हैं क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी होती है, हमारे पसंद का होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और 80% कपड़ा हम केवल शोरूम में रखे रहते हैं। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं सर। 80% अल्कोहल 20% पीपल सी पीते हैं सर। 80% फूड बाई 20%, सबको पता है सर कि 20% लैंड से ही 80% जो खाद्य सामग्री है, जो खाने की चीजें, जो फूड्स हैं वो उगते हैं। 80% जो बारिश होती है 20% क्लाउड बादल से होती है। 80% अटेंशन 20% एक्टर्स। क्या लगता है सर, जितने भी एक्टर्स हैं सारे के सारे सफल होते हैं? मुश्किल से 20% एक्टर जो होते हैं उनकी तरफ ही लोग आकर्षित होते हैं, उन्हीं की पिक्चर चलती है या उन्हीं का नेम एंड फेम होता है। 80% लोग तो थोड़ा संघर्ष करते हुए ही निकल जाते हैं। 80% इन्वेंशन 20% साइंटिस्ट। दुनिया में जितने भी आविष्कार होते हैं, दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं उसमें 20% साइंटिस्ट का ही रोल रहता है, 80% तो रह ही जाते हैं। 80% बुक्स सोल्ड 20% ऑथर। दुनिया में 20% ऑथर, 20% राइटर्स की ही बुक 80% लोगों में बिकती है। ये सब सारी चीजें हैं। और एक ध्यान देने वाली चीज है सर, 80% प्रॉफिट 20% क्लाइंट्स।
डायरेक्शन में, डायरेक्ट सेलिंग में आपके साथ भी वही चीज होने वाला है सर, कि आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका भी बिजनेस, आपकी टीम में जितने लोग हैं, मुश्किल से 20% लोग ही हमारा जो बिजनेस होता है, सपोज करिए कि अगर हमारा बिजनेस 1 लाख अगर पीबी होती है तो 20 लोगों से ही 80,000 पीबी होगी और 80 लोगों से 20,000 पीबी होगी, ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं दोस्तों। 80% हैप्पीनेस 20% दोस्तों से आती है। अगर आपके पास 10 दोस्त हैं तो 8 तो समझ लीजिए दुख देने वाले ही हैं, खुशी देने वाले मुश्किल से 20% लोग होते हैं दोस्तों। चीज मैं यूज करना चाहूंगा, हमारी टीम में भी 80% जो लोग हैं, 80% भी समझ लीजिए कि वही लोग हैं जो कि हमारा 20% बिजनेस देंगे, 20% लोग जो हैं हमारा 80% बिजनेस देंगे। इन सारी चीजों को हमें बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कंसंट्रेट होकर के, जैसे कि हमारे अग्रवाल सर एक चीज बोलते हैं, कलेक्शन एंड सिलेक्शन। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इस चीज को मैंने प्रिंट करा करके, लेमिनेशन करके, मैं अपने जो मैं क्लिनिक का जो मेरा टेबल है उस टेबल पे मैं रख के लेमिनेशन करा करके मैं रखा हूं कि कलेक्शन एंड सिलेक्शन। कलेक्शन जब भी होगा सर 100 लोगों का होगा, सिलेक्शन उसमें आपको 20 लोगों को करना है। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड है कि वहां पे आप किस तरह का वर्क करते हैं, किस तरह की मेहनत करते हैं, किस तरह की ईमानदारी करते हैं, किस तरह का आप अपना एफर्ट डालते हैं सर। जितना बढ़िया आप एफर्ट डालेंगे उतना बढ़िया आउटपुट निकल करके आपके लिए आएगा। ये टोटल चीज है सर, ये एक समझ लीजिए अति आवश्यक चीज है, एसेंशियल चीज है, फोकस वर्किंग। आप जब भी वर्क करेंगे सर, रिजल्ट आपको 80-20 या जो भी फार्मूला सर थोड़ा आगे पीछे होता है, 80-20 का फार्मूला ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया हुआ है, इसलिए 80-20 ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए इसी को मैं भी सर जो भी था मैंने आपके साथ इसको शेयर किया। क्लोजिंग ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सर, कि हम क्लोज कैसे कर पा रहे हैं किसी भी चीज को। हम अपने लाइफ में जो हमारा क्लोजिंग होगा किसी भी चीज के लिए सर, हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमारा क्लोजिंग किस तरह का होता है, ये बहुत ज्यादा अपने आप में माने रखता है सर। देखिए क्लोजिंग के लिए जो होता है ना परफेक्ट क्लोज बहुत ज्यादा मायने रखता है सर, कि अगर हमने जो कि हम जब भी किसी चीज को अगर हम बात कर रहे हैं बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर ज्यादातर लोगों से पूछेंगे सर, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि 98% लोग, जिसमें कि एक मैं भी था, मैं बहुत अच्छी बात बहुत पहले से कर लेता था, मेरे पास बहुत इंफॉर्मेशन मैं लोगों को दे लेता था, लेकिन जब क्लोजिंग की बात आती थी तो मैं फेल हो जाता था, क्लोज में कर ही नहीं पाता था मैं। कई बार मैंने किया लेकिन नहीं हो पाता था, लेकिन जब समझ आया और क्लोजिंग करने का जो तरीका होता है सर, एक चीज आप समझ लीजिए कि परफेक्ट क्लोज, परफेक्ट क्लोज करने का मतलब आप यूं समझ लीजिए सर कि आपने जो भी बात की सामने वाले के समझ में आ गया और सामने वाले ने आपके, चाहे सर आपके साथ हो साइन अप करके, आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन करके, आपके साथ हो बिजनेस करना चाह रहा है, या आपका कंज्यूमर बन करके आपके साथ प्रोडक्ट को यूज करना चाह रहा है, मतलब आपने उसको जो भी चीज आपने बताया उस चीज को उसने अच्छी तरह से उन सारी चीजों को समझ लिया। अगर उन सारी चीजों को अगर वो समझ लिया तभी समझ लीजिए कि आपने आपका एक परफेक्ट क्लोज आपने कर लिया। दूसरा होता है सर इनो ऑफेंसेस क्लोज, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपने बहुत सारी चीजों को बताया, उसने कुछ चीजों को एक्सेप्ट किया, कुछ चीज को उसने मतलब कुछ चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया, कुछ सारी चीजों को उसने उन्होंने इधर उधर की बातें की, लेकिन फिर भी आपने उनको पूरा कोशिश किया, कुछ आपके विषय में जानते हैं, कुछ आप उनके विषय में जानते हैं, और उसमें थोड़ा सा रह जाता है। और थर्ड जो आता है सर, आप अगर लीडर हो, जो आपके लिए बहुत जरूरी होता है सर, जहां पे आकर के हम हट जाते हैं, द 10 पॉइंट्स टेक्निक, ये आपके पास होनी ही चाहिए। जब भी आप किसी को अगर आप जा रहे हैं क्लोजिंग करने के लिए जा रहे हैं सर, तो ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो 4-5 चीजें हमारे सामने आती हैं, 4-5 चीजें आती हैं जो आदमी कंफ्यूज होता है या जो आपसे प्रश्न पूछता है। तो जब भी आप जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, तो अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है वो है क्लोजिंग। अगर आपने क्लोज कर लिया
तो समझ लीजिए कि आप एक लीडर हो, मतलब 100% रिजल्ट कहीं ना आता, ऐसा मत समझिएगा कि अगर हमने क्लोज नहीं कर पाया, लेकिन सर हमारा जो प्रयास जो होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि जब भी क्लोजिंग हो परफेक्ट हो, ना हो तो हमारे पास एक टेक्निक होनी चाहिए, और वो टेक्निक कहाँ से मिलेगी, आरबीसी सिस्टम से मिलेगी, प्रोफेसर सर के थ्रू मिलेगी, के अग्रवाल सर के थ्रू मिलेगी, हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े हमारे लीडर्स हैं, हमारे भरत गर्ग सर है, देवकर सर है, बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, जो आ करके रोशन सर हैं, अरविंद सर हैं, ऐसे जो सारे लोग हैं, इन लोगों के साथ बैठ करके एक एक टेक्निक को हमको सीख करके अगर हम जब मार्केट में उतरेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो क्लोज होने से बच जाए, या उसकी क्लोजिंग हम ना कर सकें, या उसको हम अच्छी तरह से समझा ना सकें। गो वन स्टेप अहेड दोस्तों, जहां पे आप हैं, जहां आप पहुंच चुके हैं, जहां पे आप खड़े हैं, वहां से आप एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करिए। कभी कभी क्या होता है सर कि हम जहां जा पहुंच जाते हैं वहां हम जाकर के रुक जाते हैं, या कभी कभी हम पीछे आ जाते हैं। कभी कभी आप बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिसमें कि कुछ दिन पहले मैं भी था, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, एक स्टेटस मिल जाता है तो हमें थोड़ा सा लगता है कि नहीं मैं तो डायमंड हो गया, अभी मैं किसी को प्लान क्यों दूं, मैं बाहर क्यों जाऊं, मैं फ़ोन क्यों करूं, मैं मीटिंग क्यों ऑर्गेनाइज करूं। तो दोस्तों जहां पर भी हैं, अगर आप, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने किसी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, अगर उसमें आज 500 लोग आ रहे हैं, आप प्रयास करिए अगली मीटिंग जब हम करें तो उसमें 600 लोग। अगर हमारी टीम में 20 लोग अगर 3,500 पीपी कर रहे हैं तो हम उससे एक स्टेप आगे जाएं इस महीने में। अगर इस महीने में 25 लोग कर रहे हैं तो अगले महीने में 30 लोग होने चाहिए। हमारा स्टेटस एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड है, हम एक कदम आगे जाएंगे, हम डबल डायमंड बनेंगे, एग्जीक्यूटिव डबल बनेंगे, ट्रिपल डायमंड बनेंगे। मतलब जहां पर भी हैं, आज अगर हमारी पीपी 5 लाख है तो हम इसको 5.5 लाख किस तरह से करें, इसको हम 6 लाख किस तरह से करें, और आपने नीचे देखा हुआ थोड़ा सा जोर, और इसके लिए सर हमको क्या करना है कि थोड़ा सा जोर लगाना है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में सर एक चीज लगा दीजिए कि जो भी जोर आपको लगाना है, जो भी ताकत आपको लगानी है, वो एक जगह लगानी है कि आपके पास राइट इंफॉर्मेशन कितना है। एक ही हथियार है सर, एक ही अस्त्र है, इसमें सफलता का सिर्फ एक अस्त्र है, वो है राइट इंफॉर्मेशन। और राइट इंफॉर्मेशन के लिए आज अगर हम डीएक्शन की बात करें तो आरबीसी चैनल से बढ़िया सिस्टम मेरी जानकारी में, मेरे नॉलेज में, पूरे वर्ल्ड में इससे बढ़िया कोई सिस्टम नहीं है। दोस्तों आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि एक एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड को प्रोफेसर सर का फोन आता है, अग्रवाल सर का फोन आता है, और जानना चाहते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ। इतना ही नहीं, जानना नहीं चाहते हैं, प्रोफेसर सर पूछते हैं कि अजय तुझे मुझसे क्या चाहिए। अंदाज लगा लीजिए सर कि आज अगर हम गूगल करते हैं तो नेट पे 206 कंट्री आती है, लेकिन आप प्रोफेसर सर ने गोवा में दिखाया था कि प्रोफेसर सर का बोनस 222 देश से आता है। जिस व्यक्ति का बोनस 222 देश से आता है उसमें भी प्रोफेसर सर डॉक्टर अजय सिंह को ढूंढ करके मुझे भी अपना हाथ दे करके मुझे भी वहां लेकर के जाना चाहते हैं कि अजय तेरा भी 222 देश से इनकम आनी चाहिए। प्रोफेसर सर अपने लिए नहीं काम कर रहे हैं, आज वो अजय सिंह के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों उन्हीं का डुप्लीकेशन अगर हमको करना है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जिंदगी में एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूँ, जेरोक्स कापी मत बनिए, मास्टर कापी बनिए। प्रोफेसर सर हमेशा हम सारे लोगों को कभी जेरोक्स कापी बनने की सलाह नहीं देते हैं, हमेशा मास्टर कापी बनने की सलाह देते हैं। दोस्तों जेरोक्स कापी होती है, आप जो हो अपने अंदर अपने एफर्ट को, अपनी सारी चीज़ों को इंक्रीज करिए, उनको बढ़ाइए, उन सारी चीज़ों को बढ़ाइए, मास्टर कापी बनिए, जेरोक्स कापी मत बनिए, ये मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। मैंने सर जिंदगी में कभी भी, मैं कहीं था, मैं कभी जेरोक्स कापी नहीं बना, मैं जो कुछ हूँ अजय सिंह तो अजय सिंह ही रहेगा, लेकिन पूरी जिंदगी एक चीज अपने अंदर इंफॉर्मेशन या अपने अंदर की सारी ताकतों को हमेशा मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, हमेशा मास्टर कापी बनने की कोशिश करता हूँ। और प्रोफेसर सर, रत्ना मैम, यश रंजन सर, के अग्रवाल सर, ये हमेशा जो हमको सलाह देते हैं कि बेटा तुझे जो कुछ भी बनना है मास्टर कापी बनना है, अगर तू 10 ग्राम नहीं तू 1 ग्राम है तो तू 1 ग्राम ही रह, लेकिन ओरिजिनल रह,
अजय है तो अजय सिंह ही रह, तू प्रोफेसर बनने की कोशिश मत कर, नहीं तो ना तू प्रोफेसर बनेगा ना तू अजय रहेगा, तू कुछ और बन जाएगा जो किसी काम में नहीं आता है सर। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने को इंक्रीज करिए, अपने को डेवलप करिए, अपने को बढ़ाइए, और उसका एक ही सिस्टम है, अपने अंदर इंफॉर्मेशन, अपने नॉलेज को बढ़ाना, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना, सारी चीज़ों को अगर हम बढ़ा के रखते हैं सर तो हम धीरे धीरे, और कोई चीज़ एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए सर हमको काम करना पड़ता है। और काम यही चीज़ है कि आप एक एक काम को करना शुरू कर दीजिए कि हमें डेली 7:55 पे RBC चैनल को ज्वाइन करना है, एनालिसिस ऑफ द लास्ट मंथ। दोस्तों एक एक बहुत बड़ा हथियार है, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है, अगर आपको रियल अगर हीरो बनना है, रियल लीडर बनना है, तो पिछले महीने में आपका बिजनेस क्या था, पिछले महीने में किन लोगों ने क्या बिजनेस किया हुआ है, अगर उसको लेकर के, और ज़्यादा नहीं 3 से 4 महीने पीछे का लेकर के अगर आप उसको एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए, आप देखिए आपका बिजनेस ग्रोथ होता है कि नहीं। उसमें दो चीज़ें आपको मालूम पड़ेगी कि यहाँ अगर बिजनेस बढ़ा तो क्यों बढ़ा, और यहाँ अगर बिजनेस घटा तो क्यों घटा। अगर क्यों पे अगर आपका फोकस हो गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं सर जो कि आपके बिजनेस को बढ़ने से रोक ले। बहुत महत्वपूर्ण चीज, जिस चीज को प्रोफेसर सर हम लोगों को कूट कूट के भरते हैं, ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रांग कम्युनिकेशन। आज प्रोफेसर सर अगर अजय सिंह को फोन करते हैं, क्यों फोन करते हैं, क्योंकि प्रोफेसर सर अपने साथ जोड़ करके रखना चाहते हैं, अपने साथ कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, अगर किसी परिवार में भी अगर विघटन होता है, अलगाव होता है, तो उसका सिर्फ एक कारण होता है, मिसकम्युनिकेशन। और जब मिसकम्युनिकेशन होता है सर, तो मतलब हम वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आती है, जो कि हमारे परिवार में भी विघटन का बहुत बड़ा कारण होता है। अगर हम किसी जगह जॉब अगर कर रहे हैं, वहाँ भी अगर कम्युनिकेशन गैप होता है तो हमको जाकर के प्रॉब्लम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है सर कि ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। पारदर्शिता अगर आपके अंदर है तो चाहे आप समाज में हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि आपको सक्सेस होने से रोक सके। हेल्प डाउन लाइन टू डू। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ होती है अपने डाउन लाइन की मदद करना। डाउनलाइन का मदद करने का मतलब सर एक चीज आपको याद रखना है, ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रांग कम्युनिकेशन। अगर आप अपने डाउनलाइन के साथ अगर आप कम्युनिकेट हो, तो समझ लीजिए कि आपको और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम होता है, अगर पारदर्शिता अगर खत्म होती है, और मिसकम्युनिकेशन अगर होता है या कम्युनिकेशन गैप होता है, तब जाकर के कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन होता है, और वहां पर हमारी टीम कमजोर होती है। अगर हमारी टीम कमजोर हुई तो मतलब एक चीज आप समझ लीजिए कि आप कमजोर हो गए। दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन। दोस्तों मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि दुनिया वो नहीं करती है जो आप कहते हैं, दुनिया वो कभी नहीं करेगी सर जो आप कहेंगे, दुनिया वो करेगी जो आप करोगे। अगर आपने 3,500 PV बनाया तो आपके लोग 3,500 PV बनाएंगे। आप अगर 1 तारीख को क्वालिफाइड डायमंड होते हैं तो आपकी टीम में 1 तारीख को क्वालिफाइड डायमंड होंगे। अगर आप न्यू ज्वाइनिंग लेकर के आते हैं तो आपके नीचे लोग न्यू ज्वाइनिंग लेकर के आएंगे। दोस्तों मैं एक से डेढ़ मिनट और लूंगा, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा एक कहानी के माध्यम से कि RBC यूट्यूब चैनल और प्रोफेसर KN वासुपाल सर या यश रंजन सर, रत्ना मैम, के अग्रवाल सर, ये हम लोगों के लिए क्या है। दोस्तों मैं एक घटना आपको बताना चाहूंगा कि एक पानी की जहाज एक बार समुद्र में जा रही थी, काफी अंदर जा चुकी थी, और जाने के बाद वहां पे बहुत बड़ा तूफान आता है। तूफान में पूरी नाव एकदम डगमग हो जाती है और सारे लोगों को पूरी उम्मीद हो जाती है कि यह नाव 100% एक पानी की जहाज 100% डूबने वाली है। लेकिन उसी जहाज में एक अजय सिंह, एक छोटा सा बच्चा भी पड़ा रहता है, जिसको किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता है, आराम से लेटे रहता है। जब जहाज थोड़ी सी स्थिर हो जाती है तो लोग आकर के पूछते हैं कि इतना बड़ा हो गया था जहाज, पूरे डूबने की उम्मीद में थी, पूरी भगदड़ मच गई थी, और तू एकदम आराम से यहाँ पे सोया हुआ था, तुझे किसी प्रकार का टेंशन नहीं था, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की डर नहीं थी। उस बच्चे ने उठ करके बोला, इस अजय सिंह ने उठ करके बोला, जी नहीं, मुझे कोई डर नहीं थी। क्यों? कि इस RBC रूपी जहाज को
का कैप्टन प्रोफेसर के.एन. वासुपाल है। अगर इस जहाज के कैप्टन अगर प्रोफेसर के.एन. वासुपाल है तो इस चीज की गारंटी है कि जब तक स्टीयरिंग उनके हाथ में है ये जहाज डूबने वाली नहीं है। दोस्तों इसी तरह का विश्वास आप लोगों को लाना पड़ेगा कि प्रोफेसर सर हम लोगों के कैप्टन हैं और प्रोफेसर सर इस नाव को चला रहे हैं, गारंटी है कि ये नाव डूबेगी नहीं और इस नाव में जो लोग भी बैठ जाएंगे उनकी गारंटी है कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों आज मैं दो लाइन कह करके मैं इन सारी चीजों मैं खत्म करना चाहूंगा, महफिल भी रोएगी। दोस्तों मैं अपने विषय में कहना चाह रहा हूँ, आज मेरे अंदर भी मिश्रा जी ने मुझे काफी अग्रेसिव किया, मैं दो लाइन कहना चाहूंगा, महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा। मैं सर मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया मैं क्या करके जाना चाहता हूँ, महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में, ए मेरे दोस्त मेरे मरने के बाद आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा, मेरा कातिल भी रोएगा। मैं प्रोफेसर के.एन. वासुपाल सर, रत्ना मैम, यश रंजन सर और के.के. अग्रवाल सर, सारे अपलाइंस, हमारे सारे बिजनेस पार्टनर और दुनिया के डीएक्सएन के सारे डिस्ट्रीब्यूटर को प्रणाम करते हुए अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आपने इतना अच्छा जबरदस्त दिया, हमको मालूम है 20 बरस से हमने जो ये शिप का कैप्टन बनकर मैं रहा हूँ, कभी भी कोई भी क्राइसिस में कोई भी मुश्किल का टाइम आ गए तो भी मुश्किल का दिन आएंगे, बट मुश्किल को कैसे लड़ना सामने करना वही है लीडरशिप। आपने देखा है 2012-13-14 में क्या हो गया जी। कितना बड़ा मुश्किल को हमको सामने कर पड़ा, कैसे हमने उसको संभाल कर बहुत सेफली और किसी को भी मालूम नहीं हो गया कैसे हमने ट्रांजिशन किया एक कंपनी को दूसरा कंपनी का नाम में, इंडिया का मैनेजमेंट को, जो एक चैलेंज किसी से लोग वो कभी भी हो सकता है सेल्फिश, ये लोग किसको दूसरों को ग्रोथ में उसको लाइफ को ख्याल रखे तो ये सभी नहीं होंगे, इसका ये स्वार्थ का कारण बहुत कुछ हो सकता है इन बिजनेस में। इसलिए हम सभी समय में सबका लाइफ को, सभी लोगों को लाइफ को ख्याल रखे तो अभी नेटवर्क मार्केटिंग में जब लोग आते हैं वो सोचता है खुद उसके बारे में, जो खुद उसके बारे में सोचने वाला यहाँ कभी भी कामयाब नहीं बनेंगे, कभी भी उसका सोच होना कैसा टीम को संभालना, सोच होना टीम का डेवलपमेंट के लिए, टीम का ग्रोथ के लिए, सोच होना टीम का इनकम के लिए, खुद का इनकम नहीं, टीम का इनकम। आपको खुद का इनकम सिक्योर्ड होंगे टीम का इनकम अच्छा बढ़ेगा, जब तक आपके नीचे टीम का इनकम नहीं बढ़ेंगे आपका इनकम भी नहीं बढ़ेंगे, आपका ग्रोथ भी नहीं होंगे। कहीं भी अच्छा टीम है, टीम का अच्छा ग्रोथ है दुनिया में कहीं भी हो, कोई भी सेक्टर हो, जो लोग काम करने वाला का लाइफ बदलते हैं, जिंदगी बदलते हैं, इवन कोई भी इंडस्ट्री में अच्छा इंडस्ट्री है तो वहाँ अच्छा क्वालिटी होंगे, अच्छा प्रोडक्शन होंगे, अच्छा लीडरशिप होंगे, अच्छा टीम होंगे, अच्छा मैनेजमेंट होंगे, ये
जब तक वो वहां अच्छा लीडर, इसीलिए डेल कार्नेगी ने वो एक बार बताया मुझे आपको, मैं अच्छा ग्रोथ दिखाने के लिए, ये कंट्री बढ़े तो ये कंट्री बढ़ता है उसको दिखाने के, मुझे शो मी ये गुड लीडरशिप, आई विल शो यू द गुड ग्रोथ। हमको अच्छे लीडरशिप दिखाओ, वहां मैंने अच्छा ग्रोथ को दिखाऊंगा। माने अच्छा लीडरशिप कहीं भी हो तो, कोई भी सेक्टर में लीड करने वाला चाहिए। ये ग्रोथ होना है तो कोई भी ग्रोथ कहीं भी, आपको मालूम है ये पॉलिटिक्स होंगे, मैनेजमेंट होंगे, एजुकेशन होंगे, डिफेंस होंगे, मैन्युफैक्चरिंग होंगे, सर्विस सेक्टर होंगे, कोई भी सेक्टर में आप ग्रोथ देखने के लिए वहां लीडरशिप का जरूरत है। अभी ये सेक्टर में जो लीडरशिप को हाथ में उठाकर टीम का ख्याल रखेंगे, टीम का ग्रोथ के लिए उसका दिमाग को चलाएंगे, सबका भलाई के लिए। आज तो विजयदशमी है, आपको ये दिन में मैं बताता हूं, आप सभी को मालूम है कैसे ये विक्ट्री ऑफ गुड ओवर बैड। कहीं भी हमने हिस्ट्री में, चरित्र में हजारों बरस का जो हमारा संस्कार है, हिस्ट्री है, उसमें हम सीखते हैं ये बुरी चीज जो है वो इविल पावर, इविल शक्ति, वो कभी भी सफल नहीं होंगे। एक दिन इस तरह का जो चिंतन करने वाला, इस तरह का जो पावर है वो एक ना एक दिन खत्म होंगे, कभी भी कहीं भी। इसीलिए ऑलवेज दे से ट्रूथ विल विन, ट्रूथ विल ट्रिम, बट मुश्किल को सामने करना पड़ता। अभी राम, रावण का दहन होने के लिए राम ने कितना बरस वो वनवास से लेकर सब कुछ को वो कितना बरस सफर किया, यू नो, कितना सामना, मुश्किल का दिन को सामना कर पड़ा। एक दिन में नहीं हो गया, एक बरस में नहीं हो गया। बहुत इसी तरह हमने कभी भी अच्छा काम करने के लिए, सफल बनने के लिए, अच्छा काम से सफल बनने के लिए जी, अच्छा काम, कोई अच्छा काम करना है जी, इसमें बहुत मुश्किल को सामना करना पड़ता है कहीं भी जी, कोई भी जी, अच्छा बुरी काम आप करना है तो उसको कोई भी ताकत नहीं चाहिए, एक सेकंड में आप कर सकता है, नाश करना जी, नेगेटिव करना जी। अभी आप अच्छा काम करने के लिए, वो रास्ते में चलने के लिए, इसमें आप सफल बनने के लिए बहुत कुछ चीजों को सामने सामने करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है जी। नहीं लड़े तो आप नहीं जीतेंगे जी। वही है ये इंडस्ट्री में आपने जो आज बताया 13 एसेंशियल्स जो जरूरी है यहाँ सफल बनने के लिए। एक बात आप बताया, मरने के पहले करना। अभी हम मरने के पहले करना, नॉट ओनली करना है जी। मरने के बाद हम अमर बनना है जी। मरने के बाद भी हम नहीं मरेंगे जी। बहुत कुछ लोगों ने आज नहीं है, बट हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से जी, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से उसका नाम अमर बन गया है। क्यों?
वो उसने दुनिया को कुछ भलाई करके गया है। हम सर अपने पापों की चिंता, जन्मदिन नहीं मनाते हैं लेकिन गांधी जी का 2 अक्टूबर को मनाते हैं, तो कुछ तो करके गए हैं सर। असली गांधी, देयर आर मेनी गांधी, मेनी पीपल जी जो अच्छा काम को करके हिस्ट्री में हजारों बरस से जी हजारों बरस से अभी बड़ा बड़ा राजा महाराज आकर गया है। थोड़ा राजा महाराज का नाम वो हिस्ट्री में अजरामर बन गया है, अमर बन गए हैं। क्यों? ये लोग बहुत अच्छा शासन किया, लोगों को लाइफ को बदला जी, जी, लोगों के लिए बलिदान दिया जी, लोगों को वेलफेयर के लिए काम किया जी, ये गोल्डन एज ऑफ गुप्तास जी, मौर्य पीरियड कोई भी हो हिस्ट्री में जी, जी, कहा जी, नाश किया है उसका नाम हिस्ट्री में आता है। बुरी वो रावण का नाम भी आता है, राम का नाम भी आता है जी। इसीलिए वो राम का नाम जब तक है रावण का नाम को हटा नहीं सकता है, बिकॉज वो हिस्ट्री है। जो चीज गलत चीज हो गया है, गलतियां हो गया है जी, उसको जी। सामने कर पड़ सकता है उसको हिस्ट्री में, वो भी नाम रहेंगे। बट अमर किसका नाम होंगे जो कुछ अच्छा चीज को छोड़ अच्छा करके जाएंगे। अभी हमने डीएक्सएन में 20 बरस से बलिदान दिया जी। ये तो बहुत बड़ा कुर्बानी जी। हमारे लिए नहीं, हमारे लाइफ के लिए नहीं, हमारा फैमिली के लिए नहीं है, हमारा बाल बच्चों के लिए, उसको हमने स्टार्ट किया है। थोड़ा हमको हमारा बहुत लोगों को लाइफ बदले तो हमारा लाइफ भी बदलेंगे, वो सोच के साथ हमने जाके हम स्टार्ट करने के समय में भी हमारा सोच था कितना लोगों को लाइफ हम बदल सकते हैं डीएक्सएन। आज 50 लाख लोग हमारे साथ जोड़ दिया है दुनिया में, 5 मिलियन 50 लाख, ये साधारण बात नहीं। ये 50 लाख लोगों को लाइफ बदलने के लिए हम दिन रात लड़ते हैं जी। ये 50 लाख लोग में कितना लोग उसका लाइफ को बदलने के लिए तैयार करके उसका ग्रोथ के लिए, उसका डेवलपमेंट के लिए, उसका टीम का ग्रोथ के लिए, वो भी इसी तरह का सोच से काम करना जी। वो सोचे तो मैं खुद कमाना, मैं अकेला बढ़ना, ना अकेला अमीर बनना, मैं अकेला मेरा लाइफ स्टाइल चेंज होना, वो नहीं हो सकता ये सेक्टर में। इसीलिए डीएक्सएन आरबीसी का काम क्या है, सबको एक साथ डालकर सबका भलाई के लिए काम करवाने का एक सोच के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक मार्गदर्शक हूं मैं, तो एक मार्गदर्शक हूं आप, वो मेरा मार्गदर्शन को आप हृदय से लेकर एक्शन में लाएंगे या नहीं ये आपका काम है, आपको खुद का निर्णय है, मेरा निर्णय नहीं। मैं भी 80-20 रूल को अप्लाई करता, सभी 80-20 रूल को अप्लाई करना ही है, वही है सिस्टम। अभी सबको मैं ट्रेनिंग देता हूँ, सबको ये चैनल में फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, सबको ये चैनल को देख कर यहाँ सीख कर बदलने का मौका है जी। बट किसी को हमने फोर्स करके दबा कर, हम यहाँ मिलिट्री रूल नहीं है उसको, यू नो तुम नहीं बदले तो यहाँ नहीं आना, ये चैनल को नहीं सीखना। अभी ये सभी लोगों को फ्री है, यूट्यूब फ्री है, जूम है, ये है वो है, टेक्नोलॉजी सबको हम ग्रुप में डालता है, अच्छा लोग भी देखता है, बुरी लोग भी देखता है, काम करने वाला भी देखता है, काम चोर भी देखता है, चीट करने वाला भी देखता है, वो यहाँ नॉलेज लेकर दूसरा कंपनी को भागने वाला भी देखता है, उसको ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो उसका कर्म है जी। अभी हमने निस्वार्थ दृष्टिकोण से सबका भलाई के लिए सबके साथ सबका विकास वो नारा के साथ सबको अभी इससे फायदा होना, सब लोग बढ़ सकता है, सबको ये दिमाग खोले तो उसको
वो काम करने का एक उत्तेजन मिल सकता है, बिकॉज उसका सोच में आ सकता है मैं बढ़ना, मैं मेरा लाइफ को मैं बदलना। जब तक ये लोगों ने कोई भी उसका लाइफ को वो बदलने का निर्णय नहीं करेंगे, वो टीम को नहीं बना सकता है। टीम को बनाने के पहले उसका लाइफ को वो बदलने का निर्णय लिए तो वो ढूंढते हैं किसको स्पॉन्सर करना, मेरी जैसे मेरे साथ पार्टनर चाहिए। ये तो सीरियस पार्टनरशिप बिजनेस है, टीम माने टीम लोगों ने सभी पार्टनर्स है, सभी लोगों को उसका काम के आधार पर, उसका एक्शन के आधार पर, कितना घंटा काम करने, कितना लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, कितना सेल्स देंगे, कितना वॉल्यूम देंगे, कितना पीवी करेंगे, ये आधार पर मार्केटिंग प्लान है। अकॉर्डिंग टू दैट आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको मार्केटिंग प्लान निर्णय करेगी। वो डॉक्टर लिंबी निर्णय कर सकता है, डॉक्टर लिंबी निर्णय नहीं कर सकता है, मैनेजमेंट भी निर्णय नहीं कर सकता है, कंपनी का कोई डायरेक्ट आदमी इसका निर्णय नहीं कर सकता है, आपका अपलाइन वो निर्णय नहीं कर सकता है, आप खुद कर सकता है। आपको कितना इनकम चाहिए, वो इनकम का निर्णय आपके मार्केटिंग प्लान का आधार पर, आप कितना लोगों को स्पॉन्सर करता है, कितना लोगों को ट्रेनिंग देंगे, कितना लोगों को कमाने के लिए सिखाएंगे, कितना लोग काम करते हैं विड्थ एंड डेप्थ में, आपका फ्रंटलाइन कितना लीडर्स है, डाउन में डेप्थ में कितना लीडर्स है, कितना वॉल्यूम आता है, टीम वॉल्यूम। ये तो टीम ग्रोथ, टीम इनकम, टीम वॉल्यूम, टीम प्रॉफिट, मतलब हो गया ना, एंड टीम सक्सेस, सभी टीम है, ये सभी टीम का काम है, इंडिविजुअल का काम नहीं। मैं क्यों सबको भलाई के लिए डीएक्सएन आरवीसी चैनल को दिन रात लड़ता हूँ, ये टीम का काम है, टीम को बढ़ाने के लिए जी, टीम को जिंदा रखने के लिए, टीम को आप एक साथ रखे तो, जिंदा रखे तो, आपको कोई भी मुश्किल का समय आ गई तो भी आप लड़ सकता है, टीम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए ये टीम के लिए हम टीम का सर्वेंट्स हैं, हम जी किसी का सर्वेंट, टीम का, इसीलिए हम टीम के लिए काम करें तो वो टीम का ग्रोथ के साथ हमारा ग्रोथ होंगे। ये सभी ग्रोथ यहाँ निर्णय होता है कितना टीम में लोग डेवलप होता है, कितना लोग सक्सेसफुल है, कितना लोग डायमंड है, कितना लोग डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड है, क्राउन डायमंड है टीम में, कितना लोग स्टार एजेंट बनेंगे, कितना लोग रूबी बनेंगे, कितना लोग कमाने वाला, वो एवरी मंथ आगे चलेंगे, ऊपर चलेंगे, हायर एंड हायर लेवल। इसीलिए लोगों को हायर एंड हायर लेवल को लेकर जाना ही हमारा काम। वो हायर लेवल को आना चाहेंगे नहीं चाहेंगे वो निर्णय ईच इंडिविजुअल का है। किसी ने बताया सर हम नहीं आएंगे, हमको नहीं चाहिए, ठीक है, उसके साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, तुम नहीं आते वही बैठो, हमने क्या बहुत मिस्टेक किया जो नहीं आने वाला तो भी वो उठा कर चलाने को, हमने काम बहुत बरसे किया, इसीलिए हमने जो स्पीड में ग्रोथ होना था वो नहीं हुआ, बिकॉज जो लोग कामचोर है, वेस्टफुल है, एक्शन नहीं है, उसका खुद का कोई ड्रीम नहीं है, सपना नहीं है, दूसरों का सपना दिखाने को छोड़िए, उसका खुद सपना नहीं है, इस तरह का लोगों को भी हमने लेकर चलेंगे प्रयास किया, वो बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो गया। इसीलिए मैं जो बताता हूँ, जो हमारे साथ फील्ड में आना नहीं चाहता है, ए ट्रैक को आना, विनिंग इज आफ्टरवर्ड्स, यू हैव टू पार्टिसिपेट, आप मैदान को नहीं आ गए तो अरे विनिंग कहाँ से आता है, मैदान को आना, एक्शन, ये नेटवर्क मैदान के अंदर नहीं कूदे तो कहाँ वो विनिंग चांसेस है, कहाँ विनिंग होंगे, कभी भी नहीं होंगे। ये घर में बैठे तो मैदान को नहीं आऊंगा, मुझे क्राउन एम्बेसडर बनाओ, मुझे क्राउन एम्बेसडर, मेरा अपलाइन बनाएंगे, मेरा डाउनलाइन बनाएंगे, वो सोच कर बैठे तो वो कभी कामयाब नहीं बनेगा।
इसीलिए हमारा जो अभी जबरदस्त सिस्टम है, जो हमारा हाथ पकड़ कर आएंगे, हम हाथ देने के तैयार, बट पकड़ने को लोग होने। अभी हमने हाथ आपको दिया, आप पकड़ लिया। बहुत बरस से बिगड़ कर रखे थे, यहाँ वहां घूम कर, अभी होल महाराष्ट्र आरबीसी का साथ हाथ पकड़ लिया है जबरदस्त ये 7-8 महीने से। इसीलिए रिजल्ट को हमने 1 करोड़ से 2.5 करोड़ को हमने बिग जंप डाला है। नाउ मैं आई एम श्योर दैट 5 करोड़ होंगे, 10 करोड़ होंगे, 15 करोड़ होंगे, 30 करोड़ होंगे। ये ग्रोथ को कोई भी रोकने वाला नहीं है अभी, नहीं है सर, महाराष्ट्र का। इसीलिए आपका मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है जी। ये रास्ते में आप अच्छा रास्ते में हैं, सही रास्ते में हैं। सबको बताइए, स्पॉन्सर करो, बीवी को बढ़ाओ, रिक्रूटमेंट 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 रिक्रूटमेंट। अभी तो हमको मिनिमम नंबर चाहिए काम करने वाला, मिनिमम नंबर बढ़ने के जो नंबर चाहिए। आपने जो बताया 80-20 रोल, हमको भी वही हमने अप्लाई करना है। 100 लोग स्पॉन्सर करे तो 20 लोग मिल सकता है, समटाइम उसके नीचे भी 10 लोग 5 लोग मिलना भी मुश्किल होता है, बट ठीक है, ऑन एन एवरेज। अभी 1,000 लोग हुई तो 200 लोग, 10,000 लोग हो गए तो 2,000 लोग, 1 लाख हो गए तो आपको 20,000 लोग एक्टिव हो सकता है, मालूम हो गया ना। इसीलिए ये आधार पर हम बढ़ना है, अभी हम करेंगे सभी मिलकर। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। डॉक्टर अजय सिंह, गॉड ब्लेस यू, गो क्राउन एम्बेसडर।